इस वक्त की एक और खास खबर आपको बता दें, विकास खंड रूपाटिया के ग्राम पंचायत बनगाई में गड्ढा व जल भराव से जूझ रहे ग्रामीण। गोंडा जिले में दो दिन से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि आर्य नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनगई में जल निकासी की व्यवस्था न होने की स्थिति में गांव के अंदर प्रवेश करने के रास्तों पर जल भराव की समस्या बनी हुई है और गांव के जर्जर व गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं। रास्तों पर लोगों को निकलना और भी मुश्किल हो गया है। ये समस्या गांव के प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव की अनदेखी के कारण रास्ते का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। इस रास्ते के विषय में कई बार अखबारों में खबर भी प्रकाशित की जा चुकी है। बताते चले कि आर्य नगर करनैलगंज रोड पर बनगाई गांव पड़ता है। सड़क के बगल में गांव होने के कारण बरसात के पानी का सही तरीका से निकासी न होने के कारण सड़क का गंदा पानी गाँव में भर जाता है। गाँव के प्रधान व ग्राम पंचायत सचिवों की लापरवाही के कारण लोग इस गड्ढे व कीचड़ भरे रास्ते से निकलने को मजबूर है। आप जान ले 30 वर्ष पहले इस रास्ते पर खड़ंजे का निर्माण किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तब से अब तक 30 वर्षों में किसी ग्राम प्रधान का नजर इस गड्ढे व कीचड़ जल भराव से जूझ रहे रास्ते पर नजर नहीं पड़ी। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि क्या दुश्मनी है इस रास्ते से जो इस रास्ते का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। गांव के व कुछ राहगीरों का कहना है कि कई बार लोग इस रास्ते पर गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। गांव के उस रास्ते पर निकलने वाले ग्रामीणों में राम जागे कन्नौजिया, होली प्रसाद, सदगुरु गंगाराम मौर्य, घनश्याम वर्मा, कुंजे मौर्य, जुगुल किशोर मौर्य, रिक्खी राम मौर्य, राधेश्याम मौर्य, शिव कुमार मौर्य, सरजू प्रसाद, ऐसे सैकड़ों ग्रामीण हैं जो इस रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं।